जो अंबिका हैं वो अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करती हैं, पढ़ाई के साथ साथ दौड़ की भी तैयारी करती हैं और देखा जाए तो भर्तिया की भी तैयारी करती रहती हैं। जो अंबिका का परिवार है एक साधारण परिवार है, इस परिवार का जो पेशा है या तो काज है, जो व्यवसाय है एक मिठाई की दुकान है, इस दुकान से परिवार का जीवन यापन चलता है। कैमरा मैन से दिखाना चाहते हैं कि कैमरा मैन दिखाएं, यहाँ अंबिका बैठी हुई है, माता जी हैं, पिताजी हैं। आइए एक बार सीधे बात करने का प्रयास करती हैं कि आखिरकार अंबिका अपने जीवन में इतना संघर्ष कैसे आपने करना सीखा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेके चल रही हैं, आप तैयारी भी कर रही हैं और साथ ही साथ आप दौड़ती भी है स्टेडियम में जाके और बच्चों को घर पे पढ़ाती भी है। आइए इनसे सीधे बात प्रयास करते हैं। बस इनका फोटो आना चाहिए। जो आपका जो तैयारी है पढ़ाई वढ़ाई को करती है कि जो दौड़ी करती है? बीएससी थर्ड ईयर है मेरा और मैं पढ़ाई के साथ साथ स्टडियो भी ज्वाइन करती हूँ, बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी कराती हूँ और अपना खुद का पढ़ाई भी करती हूँ। अच्छा, खुद का पढ़ाई भी करती है, बच्चों को पढ़ाती भी है, स्टेडियम भी जाती है, इतना संघर्ष आपने कैसे आप करती इतना संघर्ष अपने जीवन में? मैं सोचती हूँ कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो मेरे पीछे में आने वाले जनरेशन भी इतनी मेहनत करी, मेरी बहनें हैं, छोटे छोटे मेरे छोटे भाई हैं, उनको मुझसे कुछ सीखने को मिलेगा, वो लोग भी कुछ ऐसे करने के लिए उत्साहित होंगे कि जैसे मैं करती हूँ वो भी सब वैसे वो करेंगे। वैसे मैं अपने लाइन उन लोगों को दिखाती हूँ, उस लाइन पर वो लोग भी ऐसे चलेंगे। क्या ड्रीम है आपका आगे की ड्रीम क्या है? मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, मैं नमस्ते, आप देख रहे हैं तालका न्यूज जनपद मऊ के इंदारा स्टेशन से। आपको बता दें कि इंदारा स्टेशन में एक बेटी ने नेशनल चैंपियनशिप की दौड़ में प्रथम स्थान लाकर परिवार की खुशियां और माहौल को बदल दी है। इसी क्रम में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटी ने शहर और गाँव के साथ साथ जिला का नाम भी रोशन किया है। जो अंबिका है जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में पहला स्थान लाई है वो काफी अपने जीवन में संघर्ष जॉब करना चाहती, अपनी फैमिली को सपोर्ट देना चाहती। इसी क्रम में माताजी इनसे एक बार बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि जो आज का दिन है काफी एक अच्छा दिन है, काफी खुशी का दिन है। कहीं ना कहीं जो आज का दिन होगा हर दिन से अलग होगा। इस क्रम में हम बात करने का प्रयास करते हैं अंबिका के माताजी से, जिन्होंने जो अंबिका है वो नेशनल चैंपियनशिप में पहला स्थान लाई है, उनके माता जी से बात करते हैं कि आज का जो दिन है कैसा दिन है। माता जी, आज आपकी बेटी नेशनल चैंपियनशिप में पहला स्थान लाई है, कैसा महसूस करें, कैसा आपको आज लग रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या गाँव में अगल बगल में क्या चर्चा उचर चल रही है? इसी क्रम में पिताजी बैठे हुए, पिताजी से भी एक बार पूछते हैं कि आखिरकार आज का दिन बच्ची के लिए जिन्होंने पहला स्थान नेशनल चैंपियनशिप में लाया है उनके लिए आज पिताजी का क्या कैसा दिन आज है, क्या किस तरीके से महसूस हो रहा है? क्या बहुत खुशी का माहौल है, अगल बगल के लोग खुश है, नानी नाना भी खुश है, मामी मामा भी खुश है, बहुत लोग और लड़की बहुत मेहनत करती है, भाई भी। आगे की तैयारी क्या है आपके लिए? तैयारी तो है जिसका इसका दिन सोच और काम करके करेगी। कैसे आप लोग सहयोग रूप में कैसे करते, क्या दिनचर्या है इनकी, कुछ बताएंगे क्या आपके पिता? हम लोग के तरफ से जो ऐसे वो करती है उस तरह तैयार रहते हैं। अभी हमने बात किया परिवार से, परिवार में माता जी मिले, पिताजी मिले और अंबिका मिली जिन्होंने नेशनल चैंपियंस में पहला स्थान लाया है। अभी हमने बात किया परिवार काफ़ी खुश है, जो आज का दिन है काफ़ी खुशी का दिन है, बगल के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, जिला के लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तहलका न्यूज़ से अनुराग सिंह।